सभी लोगों को नए साल की बधाई, YouTube वालों को खूब खूब नए साल की बधाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, शेखर जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है हमारा नववर्ष और नववर्ष शुरू हो जाता है और आज ही से नवरात्रि की भी शुरुआत है। तो नववर्ष और नवरात्रि की आप सबको बधाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी ब्लॉग में और आज आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई। अब माता रानी के 9 दिन हैं, इनमें हमने कीर्तनों में भी जाना है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के। तो आज भी 2 जगह कीर्तन है, अभी मार्केट भी जाना है, वहाँ भी काम है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं बनियान में आया हुआ हूँ। एक्चुअली आपको यकीन नहीं आएगा और ऐसा बहुत कम होता है, शायद ऐसा आपको ब्लॉग्स में पहली बार सुनने को मिला होगा, मिल रहा होगा। ये बनियान मेरे को मेरे बड़े भैया ने गिफ्ट की है, तो मैंने पहन के इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं, बताऊं। और आज है नया साल और मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज ही मैंने पहनी है। और नए साल में, हाँ नए साल में नए कपड़े पहनते हैं, तो मैंने आज वो पहने और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैंने बोल दिया वैसे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना। हेलो हर्षित, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। खूब ऐसे ही पढ़ाई करो, मोबाइल कम देखो, ठीक है? बिल्कुल, ये हमारा आशीर्वाद है। तो सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ, ठीक है? और हमारी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं और मम्मी को प्रणाम। आज नया साल है, आशीर्वाद देना। खुश रहो, नया साल मुबारक हो, खूब उन्नति करिए, खूब पैसा कमाए, खूब अखिल चैनल खूब बढ़ जाओ, खूब बढ़ जाओ। ओके, हमारी मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया है कि चैनल खूब बढ़े और उन्नति करो। हमें और क्या चाहिए, आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो बाकी कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। तो आज के दिन क्या करते हैं, हमारे यहाँ हरेला बोते हैं। हरेला मतलब जो बीज होते हैं, उन बीजों को एक छोटे से उसमें बोया जाता है और हमारी जो मतलब कृषि से रिलेटेड हमारा होता है, हमारी हम पहाड़ियों की पहचान ही कृषि से है, तो इसलिए ये हरेला जो है। यहाँ 3 हरेला होता है, मम्मी ने बोया है। 3 हरेला होनी हमारे यहाँ, ये अशोज में, एक अषाढ़ा में है, ये चैता में है। अच्छा, एक चैत में, एक अशोज में, एक अषाढ़ में, 3 हरेला होते हैं हमारे। 3 हरेला होते हैं, ठीक है। तो ये आपने हरेला बो दिया, ये है हरेला। देखो हेमा हमारी टीचर है और हेमा समझा रही है लक्षा को, हेमा लक्षा को समझा रही है कि स्कूल, जो स्कूल में बच्चे कम हो वो बढ़िया है, और ये कह रही जहाँ ज्यादा बच्चे हो वो बढ़िया है। स्कूल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा अपना मन होता है, क्योंकि हम अगर अभी ईजा आपने भी तो बच्चों को पढ़ाया है ना, सब प्राइमरी स्कूलों में पढ़े, मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई। हमारी ईजा कहती है कोई भी पढ़ाई छोटी बड़ी नहीं होती है, और पढ़ाई से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है ना, देख ले, पढ़ाई से बड़ा। और भीड़ क्या चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए, मेरे इतने फ्रेंड्स हो गए, मेरी इतनी ये हो गया, फ्रेंड सर्कल किसको चाहिए, बड़ा बड़ा फिर तो कत्ते ही नहीं चाहिए। तो क्या करना है तुम्हें, आगे बढ़ना है, फ्रेंड बनाने हैं ना, ये अपनी फालतू की बातें अपने पास ही रखो। हाँ, अगर ऐसी वो हाई लेवल की पढ़ाई हो रही होती है स्कूल्स में तो नहीं होती यार। स्कूल में भी सेल्फ पढ़ना होता है, स्कूल टीचर एक एक क्लास को कितने में, एक घंटे में कितना पढ़ा सकती हूँ। सबका दिमाग अपना अपना होता है, लेने का तरीका सबका अपना अपना होता है, क्योंकि बेटा वो एक्सपीरियंस से बता रही है। एक तो होता है चलो हमने तो नहीं पढ़ा रखा बड़ी क्लासेस को, हम तो हमारे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस वाली है। मैं बताऊँ आजकल ना भेड़ चाल हो गई है, कोई करो वो स्कूल पढ़ा है, कोई वो स्कूल। और मैं ये बताऊँ, कई ना लेडीज जो नहीं मैंने देखा है, खूब फीस 4,000-5,000-6,000 फीस दे देगी ना, अपने हालत पतली कर रखी है, भले बच्चा पढ़े ना पढ़े, कैसे भी जी रहे हो, कितनी भी कर्ज में डूबे पड़े हो, स्कूल बड़े स्कूलों में स्वैप करने के लिए। हाँ, और जहाँ की फीस ज्यादा हो ना, वहाँ के स्कूल को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं लोग। अभी प्राइमरी देखो, हरम चाहे बाल धन हो दो यार, बात सही है। तो दोस्तों, आज धूप आ गई है 2 दिन बाद, लेकिन मजा आ रहा है, क्या क्लियर मौसम हो गया, एकदम आसमान साफ, धूप इतनी अच्छी आई है, मन कर रहा है यार थोड़ी देर धूप सेक लूं। मार्च एंड के टाइम पे ना ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन हो रहा है। और मेरी ना गाड़ी में जो हमने पर्दा लगाया है, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी को पैजामा पहना रखा होगा। क्या बना रहे लक्ष्यू? नूडल्स। तो उसमें क्या बन रहा हो? उसमें बॉयलर एंड नूडल्स। वो कहाँ फेंक रही है ऐसे? कौन साफ करेगा उसको, पागल कहीं की? तो तेरी मम्मी ने डांटा था ना, क्यों जा रही?
क्या हो रही है यार, तो दिन पर दिन असर भी जैसी मजा आ रहा है। कौन साफ करेगा उसको? मैं ही साफ करता हूं। ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसे मत फेंक। वो भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी और हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी सॉरी थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है मेरे को भी। तुम्हें बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर बोल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नाउ ये देखो, ये मुंह लगा दिया, पूरा मुंह लगा दिया गोप्रो में। एक तरफ तो दोस्तों इतना विकास हो चुका है, मतलब गैस के पाइप भी लगने वाले हैं हमारे हल्द्वानी में, और सब कुछ मतलब हाईटेक हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। लेकिन 3 दिन से ना मैं ये आरडी जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी भीड़ रहती है, ये अभी तक जमा नहीं हुआ है। पोस्ट ऑफिस कब सुधरेगा यार? तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सिर धो के, नहा तो सुबह ही लिया था, और आपने देखा मेरे काले घने बालों का राज। देखो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कितने काले, कोई सफेद तो नहीं हो रहा। तो गाइज मामा जी की नातिनी हुई है, तो उसके लिए क्या होता है ना, न्यू क्लोथ्स गिफ्ट, उसके लिए जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट लेने के लिए मैं और गरिमा जा रहे हैं, और हमारी ईजा मैं गरिमा, देखो गरिमा भी आ जाए, सैंडल भी लेनी है हर्षित के लिए। हाँ हमारे हर्षू के लिए सैंडल लेने और कुछ गिफ्ट लेने हैं नामकरण के लिए। साइज ये साइज तो मेरा आता है वैसे, उसे पूछ लो फिर कंफर्म कर लो। उसके जूते मेरे को फिट आते हैं। हैं पूछ लो फिर। चलो तो उधर से ले लेंगे छोटी बेबी के लिए। कितने मतलब 2-3 घंटे में ले लोगे? 2-3 घंटे तो कम पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कहीं पार्क वार्क में सो जाऊँ, कहीं बाहर जाके एक नींद निकाल लाओ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ 25-30 तो तुम देख ही चुके हो, ऐसे खरीदोगे किसको? वैसे ये जो को ऐसे पसंद आते हैं यार, ये केलिस वेलिस वाले है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके साथ एक कैप अप ले लेंगे कुछ। हाँ बिल्कुल बढ़िया है बढ़िया है, ले लो बस खरीद लो, मतलब बस। ये भी अच्छा लग रहा है यार, सब अच्छे हैं यार, बस खरीद लो। समझ नहीं आ रहा है ये लूँ या ये लूँ। मुझसे मत पूछना यार, मैं भी कंफ्यूज हूँ। ओके मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, पीछे से खड़ा रह सकता हूँ, बस अच्छा बुरा मुझसे मत पूछना। अरे मैं नहीं पूछती, टेंशन मत करो तुम। चलो ये वाला लेती हूँ। हैं सच्ची? हाँ फाइनली पसंद कर लिया तुमने? फाइनली। ओ कांग्रेचुलेशन यार, मतलब मुझे भूविका के लिए लेना होता तो मैं ये वाला लेती। थैंक गॉड, अगर मुझे भूविका के लिए लेना होता तो मैं ये लेती। चलो थैंक यू। 2 घंटे बाद जो है वो गरिमा ने कुछ पसंद किया। ये ले रही हूं मैं। हैं? हां क्या अभी और चेंज हो गया क्या? तुम पागल कर दोगी यार मुझे लग रहा है। इसके साथ एक कैप ले लेते हैं। ले ले ले, क्या लगा ये 4 चीजें हो जाएंगी ना, सब अच्छा लग रहा है। हां कैप तो मैच कर रही है, ऐसी बात तो नहीं है, मैच कर रही है ना। अब तुम ऐसा कर रहे हो ना, अब मुझे साइज भी तो देखना होता है। ऐसे चौड़ी सी ले जाऊंगी तो उसे फिर कहेगी मम्मा थैली ऐसी ले आए, ये भी देखना होता है ना। सही कह रही हो। हाँ तो तुम तो मुंह बना के खड़े हो जाओगे। नहीं बना रहा हो यार, तुम्हारा क्या है? देखो कितना खुश हो रहा हूँ मैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी कोच रखी। देखो देखो अभी तुमने देखा ही कहाँ है, एक आध तो देखे हैं तुमने, आराम से देखो। अरे यार जो पसंद आ रही है ना छोड़ी है वो। देखो देखो कोई नहीं, तुम आराम से देखो, मैं बैठ जाऊंगा कहीं पे। हाँ तुम बैठ जाओगे। तो ना मैंने 99 वाली 2 टी-शर्ट लिए हैं, पसंद कर लिया फाइनली लक्ष्य के लिए। एक ये है, एक ये है, क्योंकि ना उसे ट्यूशन पहन के जाना है, मतलब ऐसे कहीं दर्द हो जाना नहीं है। ठीक है ना, अब फाइनल हो गया। हाँ अभी भूविका के लिए अगर कोई मिल जाए तो एक। अच्छा बाय द वे मतलब लगभग हो गया ना।
फाइनली गाइस मेरे लिए भी ले लिया 299 की शर्ट। तुम ऐसा करो ना, पेट वाला बटन लगा के देखो, वो अगर आ गया तो समझ लो आ गई। हाँ रुको, पेट अंदर मत करो। हाँ फुल खोल, फुल सांस बाहर निकाल के, पूरी सांस निकली। अब तुम देखो, मुझे तो फिट लग रहा है। फिट है, फिट है भाई, मस्त है गाइस, फिट है भाई ना। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा आज व्रत था और हमें सर ने प्रसाद खिला दिया, और प्रसाद खिलाया तो मैं गरिमा से कह रहा था कि अरे कुछ नहीं कृपा है ये। कृपा बोलते ही जो है सीधे नज़र वहाँ पर गई, वो हमारे सबसे बड़े कृपालु जी बैठे हुए हैं बाबा जी ऊपर। तो ये ऐसा इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, कई चीज़ें ना हो जाती हैं। भूभी की परचेजिंग, भूभी देख तेरे लिए क्या लाई मम्मी, देख बड़ी है शायद, बड़ी होगी मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं यार, काम आ जाएगी। हैं नहीं यार, लेकिन बॉयज वाली क्यों ले, कोई बात नहीं घर पहनने के लिए लाएंगे। गर्ल्स बॉयज यार, तुम भी ना कैसी बातें करते हो, बड़ी है चल कोई बात नहीं, अच्छी तो बात है। मेरे लिए क्या लाई, मैंने दिया, मेरा ही हो गया, कह रही है देखा भूभी है, मेरा है, मेरा है। कोई कटोरी ला दो, लक्ष्मी दिखा दे अपनी टी शर्ट दिखा दे बेटा। तो गाइस मैं तो लाया हूँ यार अपने लिए शर्ट, और ये है 300 की, 299 की, देखो कितनी मस्त है, मजा आ गया कसम से यार। वैसे मैंने देखा ना ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं होता कसम से, इतनी फिट आ रही है और इतना मस्त लग रहा है ये, नहीं लग रहा? और आप बताना यार, कमेंट करके बताना कैसी है। 99 के हैं मेरा, 99 के हैं दोस्तों, देखो कितने मस्त है, ये तो क्या देख के लग रहा है, क्या देख रहे सगल तेरी 10 रुपए की नहीं, नैन की पहन दे रही है, बोल ये ले इसके, ओए इसके भी आ गए यार हमारे हर्ष के, फिट आ रहे, फिट आ रहे। गाइस देखो क्या हो रहा है, अगर भगवान ने तेरे को तमीज के साथ भेजा होता ना, कई बात थी वो बोल तो आज नहीं चाहिए मम्मा, चाहिए चाहिए नहीं के। गाइस आज पार्टी हो गई, हां ले। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वहाँ कीर्तनों में। हाँ यहाँ चल रहा है फोटो सेशन हमारे ग्रुप का। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये हम है, ये हमारा फोन है, ये GoPro है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब दूसरी जगह कीर्तन में, मतलब आज 3 कीर्तन थे, एक में तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हम मार्केट गए थे, सेकंड वाले में हो आए हैं, अब थर्ड जगह है, तीसरी जगह है। अब संभल संभल पग धरो मेरी लाडो, आ गए भाई, यहाँ से आ रहे हो इधर पीछे के रास्ते से। करो भगवान, अबे इससे तो मत मार, ये क्या हो गया इसको, ये बदतमीजी, ये देखो मैं उधर जा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा रहा हमारे आज का दिन, और हम आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया हो। तो दोस्तों यार वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना, कमेंट करके बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिंगल नाम संवत्सर है, संवत्सर का नाम पिंगल है, और दोस्तों मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।